नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका स्वागत करती हूं आपके चैनल एचएन अध्ययन में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट का, आज तीसरा क्लास है। आज के क्लास में अब तक हमने पढ़ लिया है एक तो भाषा का व्यवहारिक स्वरूप, अब संरचनात्मक स्वरूप में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। लास्ट क्लास के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां पर भी आप देख सकते हैं, तो वो हमने पढ़ ली है। अब जो बचा है वो है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, उसके अलावा देवनागरी लिपि, फिर आपका बच्चा है संविधान, हिंदी की संवैधानिक जो पूरी अवधारणा है, संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है अभी ये, और उसके बाद भाषा का स्वरूप। तो ये सब चीजें आज के क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम आते हैं संज्ञा। ठीक, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और विकास की यूनिट फर्स्ट में जो ग्रामर, जो सामान्य जो हिंदी है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इससे भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी हिंदी के ये प्रश्न बनते ही बनते हैं सामान्य हिंदी से। तो आज हम दोनों के दृष्टि से इसको देख लेंगे। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? आप सब ने पढ़ी है आज तक, बचपन से हम सब पढ़ते आते हैं संज्ञा सर्वनाम। ये जो ग्रामर है ना, सामान्य ग्रामर हम 5-6 क्लास से पढ़ने लगते हैं, और उसकी डेफिनेशन परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो भी वही है, उसके भेद भी उतने ही होते हैं, बस थोड़े से और स्पेसिफाई हो जाते हैं, बाकी सब वही है। लेकिन फिर भी चूंकि हमारे सिलेबस में है, इसको डिस्कस करूंगी। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, स्थान, भाव, पद या किसी प्राकृतिक अप्राकृतिक वस्तुओं के स्पेसिफिक नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जिस शब्द से इन सभी, किसी के नाम, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी भाव का बोध होता है ना, वो शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये आगे प्रश्न बनता है। तो वस्तु और धर्म के आधार पर, ठीक, वस्तु और धर्म के आधार पर संज्ञा क्या हमने विभाजन किया है। कितने प्रकार के होते हैं वस्तु और धर्म के आधार पर संज्ञा का विभाजन? मुख्यतः 5 प्रकार के। 5 कौन कौन से हैं आपके? पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, इसी को समुदाय भी कहते हैं, समुदायवाचक, ठीक, तीसरा भाववाचक, और पांचवा है आपका द्रव्यवाचक। ठीक, तो कोई बहुत ज्यादा लाग लपेट नहीं है, एकदम सिंपल है, सामान्य तरीके से पढ़ना है, बहुत लोड लेकर के नहीं पढ़ना है कि अब इस स्तर पे हम संज्ञा में कुछ और नहीं निकाल कर लाएंगे कि हम बीए या यूजीसी नेट के स्तर पे पढ़ रहा है तो संज्ञा में आपको कुछ और ही पढ़ने को मिलेगा, नहीं, वही आपका सिंपल है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हाँ, अब इसकी परिभाषा अलग अलग विद्वानों के हिसाब से याद करेंगे थोड़ी क्लिष्ट हो सकती है कि कामता प्रसाद जी ने क्या कहा है, कि सूर्यदास वाजपेयी ने क्या कहा, लेकिन सामान्य तौर पे जो आपको जानने की आवश्यकता है वो इतनी ही है। ठीक, हमने इसके भेद भी जान लिया क्या होते हैं, व्यक्ति, जाति, समुदाय या समूह, भाव और द्रव्यवाचक। अब व्यक्तिवाचक में हम लोग आते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का जो पर्टिकुलर नाम है, मतलब जिस शब्द से को हम बोलेंगे और हमें एक ही वस्तु के बारे में पता चलेगा। जैसे मैंने कहा राम, तो राम मुझे पता है उस व्यक्ति, फलाने व्यक्ति का नाम है, तो हमें एक व्यक्ति के बारे में पर्टिकुलर पता चल रहा है। ठीक, तो वह जो शब्द होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा? इसमें आपका किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, दिशाओं के नाम आ सकते हैं, ठीक है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कुछ भी है वो भी आ सकता है, और पहाड़, मतलब प्राकृतिक, किसी प्राकृतिक अप्राकृतिक
चीजों का जो पर्टिकुलर कोई नाम है, जैसे पहाड़ का नाम हो गया, किसी नदी का नाम हो गया, ये सब हो सकता है, चौराहा किसी का नाम हो गया है कि मनमोहन चौराहा हो गया या वालिंगटन चौराहा हो गया, किसी भी पर्टिकुलर एक चौराहे का नाम भी उसमें आ सकता है, किसी ऐतिहासिक इमारत जो है उसका नाम आ गया, पर्टिकुलर कोई नाम होगा उसे आप इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। ठीक, इसमें सबके देख लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे किसी का भी नाम हो गया राम सीता मोहन, कोई भी नाम आप इसमें ले लेंगे। दिशा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा जो और 6 दिशाएं हैं उसके वे ले सकते हैं, पहाड़ में हिमालय हो गया, अरावली हो गया, कोई भी पहाड़ का नाम आ जाएगा। चौराहा मतलब जैसे वॉलिंगटन मनमोहन, कोई भी कई प्रकार के समतामूलक कई प्रकार के चौराहे वो एटीसी, इसके अलावा कोई भी और जिसमें पर्टिकुलर नाम के बारे में आपको पता चले वो आपका हो जाएगा जातिवाद, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अब हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा पे। जातिवाचक क्या है? जिससे, जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, किसी एक व्यक्ति का नहीं उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। ठीक, उसे संपूर्ण जाति के बारे में पता चलता है। जैसे हमने कहा गाय, तो गाय की पूरी प्रजाति है। हमने कहा गौरी गाय, कि मेरी गाय का नाम गौरी है, हमने उसको बुलाते हुए कहा कि गौरी, मतलब हम उस गाय को संबोधित कर रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जब हम कहेंगे गाय तो क्या हो जाएगा? वो उसकी जाति है, वो समस्त जाति, समस्त गाय के बारे में मैं बात कर रही हूं, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या क्या आ सकते हैं? जैसे एज पशु, पक्षी, किसी पद का नाम, किसी प्रोफेशन का नाम जो होगा वो भी इसी में आ जाएगा, कोई व्यवसाय होगा वो भी आपका इसी में आ जाएगा, रिलेशन जो संबंध होता है वो भी इसी में आ जाएगा, व्यवसाय, रिश्ता। जैसे हम बात करते हैं बहन, तो हम पूरी जाति की बात कर रहे हैं, भाई पूरी जाति की बात कर रहे हैं, कोई व्यवसाय, अगर हम सुनार बोल रहे हैं, सुनार कोई व्यवसाय है, लोहार व्यवसाय है, तो वो पूरा आपका इसी व्यवसाय में आ जाएगा, मतलब हम उस पूरी जाति के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो और बड़ा हो जाएगा, क्या है? पूरे हम समुदाय के बारे में बात करेंगे, जिससे पूरे समुदाय समूह के बारे में पता चलेगा वो है आपका समूहवाचक संज्ञा। बहुत ज्यादा नहीं है या डीप नहीं जाना है, जितना स्पष्ट सामने शब्द लिखा है ना उसका मतलब बस उतना ही होता है, बहुत ज्यादा अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रश्न में इतना ही आएगा कि पूरे समुदाय के बारे में पता चले। जैसे हमने कहा यहाँ क्या लिखा, रिश्ता कोई है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा परिवार, पूरा परिवार एक जाति है। अब इस परिवार के अंदर कई सारे रिश्ते आ सकते हैं, भाई बहन माता पिता तमाम जब गए। कोई सभा है, कोई दल है, कि अलग अलग कोई किसी प्रकार का कोई सभा हो गया, कोई दल हो गया, टीम हो गई, क्रिकेट की टीम हो गई, या फिर कोई भी किसी भी स्पोर्ट की टीम हो गई, वो आ जाएगा। जैसे क्रिकेट की टीम पूरी एक समूह है, अब उसमें बैट्समैन हो गया वो एक जाति है। ठीक, पुलिस हो गया, पुलिस पूरी एक समुदाय है, कोई जाति नहीं है, समुदाय है। ठीक, तो यहां पर हम समुदाय वाचक संज्ञा समझते हैं। अब अगला आता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है भाववाचक संज्ञा? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के, जिस शब्द द्वारा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म दशा का पता चले, उसके गुण धर्म दशा दशा का पता चले, जिन शब्दों विशेष से या जिस शब्द विशेष से किसी भी व्यक्ति के गुण धर्म दशा का पता चलता है, वो क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा होती है। अब जो भाववाचक संज्ञा होती है वो उसका विभाजन भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी आपका भाववाचक संज्ञा बनता है, जातिवाचक संज्ञा से भी आपका भाववाचक संज्ञा बनता है, क्रिया से भी आपकी भाववाचक संज्ञा बनती है, और उसके साथ विशेषण से भी आपकी भाववाचक संज्ञा बनती है। कैसे बनती है आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो एक शब्द है बुढ़ापा, अगला शब्द है
मिठास, ये है सजावट। यहाँ पे क्या है, बुढ़ापा एक फीलिंग है, कोई एक अवस्था है, एक भाव है। बूढ़ा, बूढ़ा होना एक अवस्था है, पापा एक फीलिंग है, लड़का होना एक अवस्था। ठीक, लड़कपन क्या है, उसका भाव है। तो लड़का होना क्या है, ये लड़का एक अवस्था है, एक जाति है। लड़का है क्या है, ये जाति क्या है, बूढ़ा क्या है, जाति है। तो ये जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, तो क्या हो गया, बूढ़ा का बुढ़ापा, लड़का का लड़कपन। उसी प्रकार से मीठा, मीठा से मिठास बना है, तो मीठा क्या है, मीठा किसी भी चीज की विशेषता बता रहा है ना, मिठाई की विशेषता बता रही है। अब मीठा से मिठास क्या होती है, मिठास क्या है, आप उसको महसूस करें, वो भी एक भाव है, फीलिंग है। हमें क्या पता चल, गुण धर्म और दशा का पता चल रहा है मिठास से। तो ये किससे, विशेषण से, ये विशेषण से बनेगा आपका ये। अब सजाना, सजावट किससे बना है, सजाना बना है, सजावट बना है सजाना से। तो सजाना क्या है, यहां भी सजावट, सजावट मतलब कैसा लग रहा है, बनावट इसकी कैसी, सजावट कैसी, ये भी उसका गुण धर्म और दशा का पता चल रहा है। जबकि सजाना क्या है, क्रिया, तो सजाना से ये बना है, ये क्रिया से ये भाववाचक संज्ञा। आप देख सकते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा से भी, और ये विशेषण से, और भाववाचक, ये आपका क्रिया से, सब में मिला करके यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, अब हम आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसकी नाप तौल की जा सके, क्या नाप तौल की जा सके, वह द्रव्य होते हैं। क्या ऐसे, अब ना उसमें लिक्विड भी हो सकता है आपका, ठोस भी हो सकता है, जिसकी नाप तौल की जा सके वो द्रव्य है। द्रव्य मतलब सब, द्रव्य के तीन अवस्था होते हैं, नाव, द्रव, द्रव्य, तीन अवस्था है उसका, द्रव, गैस और ठोस, तीनों अवस्थाओं का जिसकी नाप तौल की जा सके वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगा। जैसे 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध, दूध हो गया, 10 ग्राम सोना, सोना, तो यहाँ पे दूध, सोना, चीनी, फल, ये सब क्या है, द्रव्य है, पदार्थ है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक, अब आप एक उदाहरण से समझिए, आप पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति है, एक कहीं चोरी हुई, अब थाने में रिपोर्ट लिखा गई, अब उस चोरी की जांच करने एक मनुष्य को भोजन भेजते हैं जो उस थाने का दरोगा है, जिसका नाम है राम सिंह। ठीक, क्या है, राम सिंह दरोगा, जो कहां से आया है, पुलिस से। ठीक, जांच करेगा। अब इस शब्द में आप बताओगे कि राम सिंह क्या है, दरोगा क्या है, पुलिस क्या है, क्योंकि यहां पूरा लिखा हुआ है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। क्या है राम सिंह, मतलब राम सिंह पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। दरोगा, दरोगा क्या है, जाति है। पुलिस, पुलिस उस पूरा समुदाय या सभा है। ठीक, तो आप इसको देख सकते हो और इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी चाहे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सर्वनाम। सर्वनाम, नाम से क्या पता है, सर्वनाम मतलब सबके नाम। ठीक, सर्वनाम मतलब सबके नाम। हम क्या पढ़ते हैं, जो भी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आज तक हम यही परिभाषा पढ़ते आए हैं, जो कि सही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम क्या है, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, कुल 11 सर्वनाम है। देखो ये प्रश्न पूछता है और कंफ्यूज भी करता है। ठीक है, कैसे, अब 11 ही सर्वनाम है, भेद अलग है इसके, और
प्रकार अलग हैं। तो कितने प्रकार हैं या कितने सर्वनाम हैं हिंदी में? कुल 11 सर्वनाम है। कौन कौन है ये? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, क्या। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, आप, कोई, कुछ, कौन। कितने हो गए? 11। ठीक है, ये आपके 11 सर्वनाम है अलग अलग। ये जो सो इनकी है, सॉरी, जो सो, आप, कौन, कुछ, क्या। ये 11 तरीके के सर्वनाम है। इन्हीं के फॉर्म चेंज कर करके आपके सभी भेदों में प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं इसके भेद कितने हैं। तो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कितने हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला है पुरुष वाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर अगला है संबंधवाचक, और फिर अगला है प्रश्नवाचक। ठीक, ये आपके पूरे 6 प्रकार के सर्वनाम जो पढ़े जाते हैं। ठीक है, कौन है? अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद है, 3 इसको भाग में बांटा गया है। कौन कौन है पुरुषवाचक सर्वनाम में? पहला, दूसरा, तीसरा। क्या है? पहला है उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। अब कौन कौन है इसका त्रिकोण बना लीजिए, समझिए। उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं जो सर्वनाम है वो कौन सा है? उत्तम पुरुष में। मध्यम मतलब तुम, अन्य मतलब वह। तो यहां पे मैं, तुम और वह। जैसे मैं घर जा रहा हूं, तुम यही ठहरो और वह बाद में आएगा। इसमें क्या है? मैं जो है वो उत्तम पुरुष है, तुम मध्यम पुरुष है, और वह जिसके बारे में, जो अन्य, जो हमारे यहां उपस्थित नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, अब आते हैं निज पे। निज पे क्या है? निज मतलब जो, जिस शब्द से पता चले कि कोई वस्तु अपनी है, मेरी है। किसकी? जो सर्वनाम है उसकी है। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम, तुम्हारा, मैं, मेरा। ठीक है, आप, अपना। जैसे तुम, तुम्हारी, तुम्हारी पुस्तक मेज से उठा लो। मैं मेरा काम स्वयं कर सकता हूं। यहां पर अपने आप, स्वयं, खुद ब खुद जैसे शब्दों का प्रयोग भी निजवाचक सर्वनाम में हो सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट है निश्चय। निश्चय क्या है? जब हम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध करते हैं जिन शब्दों से। जैसे मेज पे पुस्तक पड़ी है और मुझे कहना है कि यह पुस्तक मेरी है, मतलब मुझे पता है इसमें से ये पुस्तक, पर्टिकुलर निश्चय बोध कर रहे हैं कि यह पुस्तक मेरी ही है। ठीक, वह आदमी या वो आदमी जो कल आया था, आज फिर आया है। हमें पता है कि कोई आदमी, मतलब कोई भी नहीं है, एक आदमी जिसके बारे में हमें पता है, हम उसी के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं कि वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो यहाँ पे वो हो गया या वह हो गया, वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें क्या क्या प्रयोग करते हैं? वह, यह, ये, वे,
वो, इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब यही प्रनिश्चयवाचक सर्वनाम में समझे, जिसमें जिस व्यक्ति या वस्तु पर बोध कराया जा रहा है उसके बारे में कोई निश्चय नहीं है, ठीक, कौन है, इसमें से कौन सी पुस्तक मेरी है, कोई पुस्तक मेरी है, क्लियर नहीं है कि कोई पुस्तक मेरी है, दरवाजे पर कोई आया है, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी आया है, मतलब दरवाजे पर कोई भी आया है, तो यहां पर वो अनिश्चय है, पता नहीं है कि कौन आया है। तो जैसे दाल में कुछ गिर गया है, कुछ क्या गिर गया, कुछ भी, कंकड़ गिर गया, पत्थर गया है, कीड़ा गिर गया है, कुछ दाल गिर गई, कुछ भी गिर गया है, ठीक। तो जैसे हो गया कुछ, कोई, ठीक, इस तरह से जो शब्द होते हैं जिसमें चीजों का एग्जैक्ट पता नहीं चलता है, वो हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम से, ठीक। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जिसमें दो वाक्यों के बीच आपस में संबंध वाक्य है, उसमें दो चीजें हैं, उसके बीच में जिन शब्दों के द्वारा संबंध बताया जाए, जैसे ये था ना जो सो, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे शब्द है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा और वैसा आ गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इस तरह के जो संबंध होते हैं आपस में शब्दों में, वह आपके संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट प्रश्नवाचक, इसमें वह शब्द जिससे संज्ञा के विषय में प्रश्न किया जाता है, जैसे दरवाजे पर श्याम खड़ा है, यहाँ पे क्या हो गया संज्ञा, श्याम, कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम श्याम को हटा देते हैं, दरवाजे पर कौन खड़ा है, अब हम संज्ञा के बारे में पूछ रहे हैं, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो इसमें कौन या क्या द्वारा, कौन या क्या जैसे शब्दों, क्वेश्चन मार्क द्वारा जो है वो हम संज्ञा के बारे में प्रश्न करते हैं, उसे हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, ठीक। अब अगला है क्रिया, संज्ञा सर्वनाम हो गया, अब हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया मतलब जिस शब्द से किसी वस्तु का या फिर किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब कुछ भी जो आम कार्य हो रहा है, उठना, खाना, पीना, सोना, हंसना, जाना, बैठना, ये सारी क्या है, क्रिया है, मतलब करना या होना पाया जाता है। ठीक है, क्रिया क्या है, पूर्णतः विकारी शब्द है, ठीक है। विकारी मतलब जिसके रूप में परिवर्तन होता है, किसके द्वारा, लिंग, वचन, रूप के आधार पर क्रिया के में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये प्रकार से विकारी है, विकारी है। कैसे, एक शब्द है कि राम पढ़ता है, ठीक, क्योंकि राम क्या है, पुल्लिंग है, तो राम पढ़ता है। अब उसके जगह हम राम की जगह सीता के ले आए, तो अब क्या हो जाएगा, सीता पढ़ता है, नहीं, सीता पढ़ती है। तो हमने क्या किया, यहां पर लिंग के हिसाब से क्रिया के रूप में भी परिवर्तन कर दिया, इसलिए जो क्रिया जो है वो विकारी है। और वचन के साथ से मतलब लड़का पढ़ता है, अब इसको आप करोगे लड़के पढ़ते हैं, तो यहां पर भी इसके फॉर्म में परिवर्तन आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्रिया के भेद कितने हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, ज्यादा प्रचलित भी है, क्या है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक दो भेद हैं, क्या है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, कर्म के बिना
सेंटेंस वाक्य होता है वह होती है अकर्मक क्रिया। क्या है? जैसे राम खाता है, तो इसमें क्या है? करता है, राम खाता है। अब इसकी जगह आप कुछ कोई भी शब्द ले सकते हो, सीता पढ़ती है, राम खाता है, या फिर राम क्रिकेट खेलता है, या राम खेलता है शब्द ले सकते हो। ठीक है, तो क्या है यहां पर? राम खाता है, राम यहां पर करता है, और खाना यहां पर है आपका क्रिया। अब यहाँ पे कर्म नहीं है, पर उसके बगैर भी आपका सेंटेंस पूरा होता है। जरूरी नहीं है कि आप वहां पे कर्म रखो। तो ये क्या है? अकर्मक मतलब बिना कर्म के, और मतलब नहीं, कर्मक मतलब कर्म, जहां पे कर्म नहीं है वैसे सेंटेंस जो होते हैं वो अकर्मक आते हैं। अब इसी में सकर्मक क्या होता है? जहां पे कर्म होते हैं, जैसे राम खाता है, अब क्या है? राम फल खाता है। यहाँ पे क्या है? फल। अब वही है कि आपको पता करना है कि अकर्मक है सकर्मक है, तो आप क्रिया से प्रश्न करेंगे, कि क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे, क्या या किसे करके प्रश्न करेंगे, क्या पूछेंगे? राम क्या खाता है? जवाब मिल रहा है यदि, राम क्या खाता है? जवाब मिल रहा है नहीं, मतलब यहाँ पे कर्म नहीं है। जैसे वैसे ही सेंटेंस में राम क्या खाता है? फल, मतलब यहाँ पे जवाब है, इसलिए ये सकर्मक है। इसी तरीके से एक होता है द्विकर्मक, ये इसमें टाइप में नहीं आता, अलग से हम इसको पढ़ते हैं, वो होता है द्विकर्मक। इसमें क्या है? जब दो कर्मों का प्रयोग होता है, जब दो कर्म आ जाएं, जैसे इसी सेंटेंस में हम देख सकते हैं, राम खाता है, राम फल खाता है, राम सेब का फल खाता है। अब यहां पर क्या हो गया? राम खाता है, एक कर्म हमारे पास पहले से था, दूसरा कर्म आ गया हमारे पास सेब, तो यहाँ पे दो कर्म का यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द्विकर्मक भी कर्म बनता है। लेकिन ये टाइप में नहीं आते हैं, उनको अलग से यूज किया जाता है, रचना के दृष्टि से यही दो आएंगे। ठीक, इसके अलावा प्रयोग के आधार पर भी कर्म का विभाजन, ये क्रिया का विभाजन किया जाता है प्रयोग के आधार पर। कितने प्रकार के हैं? पांच प्रकार के। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? प्रयोग के आधार पर क्रिया के पांच भेद हैं। कौन कौन से हैं? सहायक क्रिया, पूर्वकालिक, संयुक्त, ठीक है, ठीक, प्रेरणार्थक और नाम बोधक। ये कौन कौन सी क्रियाएं हैं? सहायक क्रिया मतलब है राम खाता है, खाना क्रिया है। अब राम खाता सेंटेंस यहां पूर्ण नहीं हुआ है, इसके साथ एक और यूज करना पड़ रहा है, एक सहायक शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है सेंटेंस वाक्य पूर्ण करने के लिए। तो क्या हो गया? यही है, था, थे, थी, ये सारी क्या होती है? आपकी सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मतलब एक क्रिया करके जस्ट दूसरी क्रिया शुरू होती है, जैसे राम खेलते कूदते पढ़ने गया, या नहीं, पूर्वकालिक क्रिया है जिसमें एक क्रिया खत्म होते ही दूसरी क्रिया शुरू होती है, जैसे राम पढ़ते पढ़ते सो गया। यहाँ पे एक क्रिया खत्म हो रही है, राम पढ़ते पढ़ना खत्म, दूसरी तुरंत हो रही है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो क्रियाएं एक साथ होती रहें, जैसे सीता, मोहन, राधा, कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि राम और सीता का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए वो आसान मतलब ठीक पड़ता है। तो क्या हुआ? सीता खेलते कूदते पढ़ने जाती है, यहाँ पर खेलते कूदते दो क्रियाएं साथ हो रही हैं, तो सीता खेलते कूदते पढ़ने जाती है, या आप घर आते जाते रहिएगा, आप घर आते जाते रहिएगा, ये आपके संयुक्त क्रिया हो गए। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब खुद क्रिया ना करके करवाई जाती है,
टीचर ने बच्चों से गीत गवाया। टीचर ने, शिक्षक ने बच्चों से गीत गवाया, मतलब किसी और से करवाया जा रहा है, खुद कर नहीं हो रहा है, दूसरों से करवाया जा रहा है। ऐसे है नाम बोधक। नाम बोधक में क्या होता है, जब क्रिया का प्रयोग ऐसे हम नाम या संज्ञा के हिसाब से करने लगे, जैसे टहलना, या जैसे होता है मारना, ठीक है, तो लाठी मारना, या सेंटेंस है पीला पड़ना, विशेषण है पीला पड़ना, या विशेषण का प्रयोग या संज्ञा का प्रयोग जब हम क्रिया के जैसे कर सकते हैं, जैसे उसका शरीर पीला पड़ने लगा, या ये तरह के जो सेंटेंस हो गया वो हम नाम बोधक क्रिया में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसकी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे विशेषण। देखो बहुत सामान्य सी चीज होती है, लेकिन हमें हमेशा ये सेंटेंस या हमेशा याद नहीं रहती, क्योंकि हमारी प्रयोग में अब तक तो होती नहीं है, हम एकेडमिक रूप से इन सब का प्रयोग नहीं करते हैं, एमए तक आ जाते हैं तब तक इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे विशेषण। वह शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह क्या होता है, विशेषण कहलाता है। जैसे समझते हैं कि मोटा लड़का गिर गया, ठीक। अब इसमें मोटे को अन्यथा ना ले, सामान्यता उसकी विशेषता बताने के लिए की गई, या पतला लड़का भी यूज कर सकते हैं। मोटा लड़का गिर गया, अब यहां पर क्या है, लड़का, लड़का क्या है आपका संज्ञा, तो लड़का अब कैसा है, मोटा है, लड़के की एक विशेषता बताई जा रही है, तो क्या हो गया, मोटा यहां पर हो गया विशेषण, और लड़का जो है आपका वो संज्ञा हो गया, ठीक। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की, जैसे वह लड़का, ठीक है, यहां पर अब कितने भेद होते हैं, तो विशेषण, विशेषण के समानता बहुत सारे अलग अलग तरीके के भेद हैं, छोटे छोटे कई तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। हम सिंपली पढ़ेंगे विशेषण के चार, मुख्यतः जो है वो चार भेद होते हैं, मुख्यतः चार भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। कौन है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ये चार। अब इसमें भी कई सारे छोटे छोटे डिवीजन होंगे, वो अब जैसे गुणवाचक को भी छह प्रकार से बात की बांटा जाता है, उसके अलग अलग स्वभाव को, गुण को, दशा को, ऐसे अलग तरीके से बांटा जाता है। गुणवाचक सर्वनाम में क्या है, जिससे उस वस्तु या व्यक्ति या संज्ञा सर्वनाम की मेन गुण, धर्म और दशा और स्वभाव का पता चले। जैसे कोई वस्तु है गुलाब, लाल गुलाब, गुलाब क्या है, लाल है, लाल गुलाब, ठीक। या भला आदमी, तो यहां पे लाल क्या है, ये विशेषता बता रहा है, भला क्या है, आदमी की विशेषता बता रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये गुणवाचक, मतलब उसके वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस संज्ञा सर्वनाम का पर्टिकुलर वो विशेषता उसके गुणों से आपको परिचित करा रहा है, ठीक। अगला है संख्या। अब संख्या जो होती है वो, इसको दो भाग में हम समझते हैं, एक तो निश्चित और अनिश्चित, ठीक, अनिश्चित। निश्चित क्या है, दो किलो दाल दे दो, मतलब दाल की विशेषता बता रहे हैं, दो किलो दाल दे दो निश्चित है, कितना दाल चाहिए, दो किलो चाहिए। अनिश्चित में क्या है, कुछ थोड़ा दाल दे दो, जरा सा दाल दे दो, कुछ हो गया, थोड़ा हो गया, थोड़ा, जरा सा, ठीक है, वो हो गया ये आपका अनिश्चित। क्लियर नहीं है कितना चाहिए, अब
कितना भी दे सकते हो, मुट्ठी भर के इतना भी दे सकते हो, आपके लिए कुछ क्या है वो आप जानिए। अब नेक्स्ट आता है परिमाणवाचक। परिमाण में भी वही है, निश्चित है या अनिश्चित है, वही सामान मांगा जा रहा है आपसे, निश्चित है परिमाण, ये पर्टिकुलर उसकी बात की जाती है परिमाण की ही। ये जरा सा इसमें नहीं आता है, कोई आता है, कुछ या कोई, ठीक है, क्योंकि इसमें और संख्या परिमाण में जरा सा अंतर है, अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ। निश्चित में 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, ठीक है। अनिश्चित में क्या होता है, थोड़ा सा, जरा सा, जरा सा पानी दे दो, थोड़ी सी घी दे दो, वो आपका इसमें हो गया आपका अनिश्चित परिमाण में। अनिश्चित परिमाण और अनिश्चित संख्या में क्या अंतर है, जिस चीज को आप गिन सकते हैं उंगलियों पर, जैसे दरवाजे पे 2 आदमी खड़े हैं, पिछला एग्जाम्पल जो था वो निश्चित परिमाण का था, ये संख्यावाची निश्चित के जो एग्जाम्पल है, जैसे दरवाजे पे 2 आदमी खड़े हैं, कितने 2 आदमी खड़े हैं, आप उसको गिन सकते हैं। और 2 लीटर दूध दे दो, तो दूध को आपने क्वांटिटी में गिन लिया, उसका परिमाण है, क्योंकि लीटर आप परिमाण जानते हो, ऐसे आप दूध को नहीं गिन सकते। या 2 किलो चीनी दे दो, तो चीनी को आप अलग अलग संख्या पे हाथ पे काउंट नहीं होती, तो वह चीज जो काउंट की जा सके वो संख्यावाची है, जो काउंट नहीं हो सकती है, ठीक है, उसके लिए अलग से पैमाना बताया बनाया गया है, वो आपका परिमाणवाचक, ठीक है। अगला आते हैं सार्वनामिक। अब जैसे सर्वनाम के द्वारा कोई विशेषता बताई जाए किसी चीज की, जैसे वह लड़की जो कल आई थी, या वह लड़की सुंदर है, जो कल आई थी वो बहुत सुंदर है, तो यहां पे हम उसी लड़की की विशेषता बता रहे हैं, तो किस शब्द से बता रहे हैं, वह। अब वह यहाँ पे सर्वनाम की जगह यूज हो नहीं रहा है, वह यहाँ यूज हो रहा है लड़की की विशेषता बताने में। तो जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी चीज की, सर्वनाम का प्रयोग जब संज्ञा की विशेषता बताने में होगा, तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने में किया जाएगा, मतलब वहां पे एक साथ संज्ञा सर्वनाम दोनों का यूज होगा, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, तो वहां सार्वनामिक विशेषण है। जब एक लाइन में केवल सर्वनाम का यूज है, ठीक है, वह आई है, ठीक, तो आप समझ गया कि यहाँ पे संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे केवल सर्वनाम है, वह लड़की आई है, ठीक, यहाँ पे हम लड़की की विशेषता बता रहे हैं, तो वही सर्वनाम यहाँ पर विशेषता बताने में यूज होगा, ठीक है। आप देख लें, इसमें कोई डाउट हो तो इसको कमेंट सेक्शन में, ग्रुप में पूछ लें। ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाक्य संरचना, अगला जो आपके सिलेबस में है यूजी।